वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। गैंगस्टर के वांछित बदमाश को लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव के चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शमीम पुत्र कल्लू गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक सिपाही त्रिवेंद्र पवार भी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसका दूसरा साथी रिसाल पुत्र लड्डन निवासी मंसूरपुर माफी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने घायल बदमाश से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि गिरफ्तार किए गए बदमाश गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। मुठभेड़ हुई है सर, क्या मामला है? ये आज असमौली थाना क्षेत्र में असमौली चेकिंग कर रहे थे सकतपुर तिराहे पे, दो बदमाश जो है मोटरसाइकिल से आते हुए संदिग्ध रूप में दिखे, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये पुलिस पर फायर करके जो है भागे। पुलिस से इनकी जो है मुठभेड़ हुई, इसमें एक बदमाश जो है समीम और कल्लू ये मंसूरपुर माफी का रहने वाला है घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। एक सिपाही को भी गोली लगी है हाथ में, उसको भी इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई। क्या बरामद हुआ है? के पास ये एक मोटरसाइकिल है, तमंचा है और ये कारतूस है कुछ जो है जो बरामद हुए हैं। अभी वाहन चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी आ रहे हैं, उसको फतेहपुर सकतपुर रोड पे रोकने का प्रयास किया गया असमौली थाना क्षेत्र में, उन्होंने पुलिस पे फायर किया और जिसमें हमारा एक कांस्टेबल तेजेंद्र घायल हुआ है और इसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी समीम को गोली लगी है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी थाना असमौली से था और ये क्षेत्र में लगातार अपराध कर रहा था। इसका एक साथी अभी मौके से फरार है, जिसके लिए अभी कॉम्बिंग जारी है, क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है और मुठभेड़ के दौरान समीम गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचे बरामद हुए हैं, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके आधार पर मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है।